हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवा स्कूल। सो चिल्ड्रंस, आज हम इंग्लिश में दिस और दैट का यूज कर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके? जो हम सेमिस्टर वन में सीख चुके हैं, तो उसका हम आज यहाँ पर फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलो, मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस बुक में, पहले जो हमारी सेमिस्टर वन की बुक है उसमें पहले एक बार फिर से समझा देती हूँ, उसके बाद हम नोटबुक में करेंगे, ओके? ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, ओके? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दिस का यूज पास की चीजों के लिए होता है और दूर की चीजों के लिए दैट का यूज होता है। देखो, हम बुक में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो पिक्चर है वो है हॉर्स। हॉर्स है ना, आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज दिस, तो दिस का यूज क्यों किया गया, क्योंकि हॉर्स जो है वो पास है, पास में है ना हॉर्स, इसलिए दिस का यूज किया हमने। तो दिस इज अ हॉर्स, हम आंसर में क्या लिखेंगे, दिस इज अ हॉर्स। अब सेकेंड देखिए, व्हाट इज दैट, तो दैट का यूज क्यों किया गया, क्योंकि कार जो है वो दूर है ना, देखिए कार बहुत दूर है, इसलिए दैट का यूज किया गया है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, दैट इज अ कार, है ना। अब देखिए उसके बाद, व्हाट इज दिस, तो दिस का यूज क्यों किया गया, क्योंकि बॉक्स जो है वो पास है, पास में है ना बॉक्स, इसलिए पूछा व्हाट इज दिस। तो हम आंसर में क्या करेंगे, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। उसके बाद व्हाट इज दैट, तो दैट का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि शिप जो है वो दूर है, इसलिए क्वेश्चन में दैट का यूज किया गया है। तो हम आंसर में भी दैट का यूज करेंगे, दैट इज अ शिप, दैट इज अ शिप, ओके। उसके बाद What is this? तो this is a cup. This का यूज क्यों किया गया, क्योंकि कप जो है वो पास है, इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, this is a cup, है ना। इस तरीके से करना है, आप लोगों को समझ में आया ना, जो पास की चीजें हैं उनके लिए this का यूज करेंगे और जो दूर की चीजें हैं उनके लिए that का यूज करेंगे। चलो ओके, अब हम नोटबुक में करते हैं, ओके। अब हम नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करते हैं, ओके? तो चलो, क्लास वर्क लिख देंगे और डेट डालेंगे। तो आज की हमारी डेट है 18, मंथ है 12, ईयर है 2020, ओके? अब हेडिंग डाल देंगे आंसर द फॉलोइंग questions, okay, answer the following questions, okay। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे, what is this, what is this। अब हम यहाँ पर एप्पल बनाएंगे इस तरीके से, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप मम्मी की हेल्प लेकर कर भी करवा सकते हो, ओके? इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, व्हाट इज दिस, तो ये हमने कहीं का पिक्चर बनाया, एप्पल का पिक्चर बनाया ना, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो आंसर में हम लिखेंगे दिस is a apple, this is a apple, okay। अब क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू हम लिखेंगे, what is that, तो यहाँ पर हम दूर एक पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि that का यूज किस लिए होता है पता है ना आपको, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कैट, इस तरीके से
कैट बनाएंगे. ओके और अब हम आंसर में लिखेंगे दैट इज अ कैट. दैट इज अ कैट. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. व्हाट इज दिस, फिर से लिखेंगे व्हाट इज दिस. ओके अब हम यहाँ पर पास में बॉल का पिक्चर बनाएंगे इस तरीके से. ये हमने बनाया बॉल का पिक्चर. इस तरीके से आपको भी बनाना है. अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, हमने क्वेश्चन में दिस का यूज किया है ना, तो हम आंसर में भी दिस का यूज करेंगे. तो दिस इज अ बॉल. दिस इज अ बॉल. ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट इज दैट इज दैट. ओके तो हम यहाँ पर दूर एक बेड बनाएंगे इस तरीके से. यहाँ पर बेड बनाया हमने. अब हम आंसर में लिखेंगे दैट इज अ बेड. ओके ये हमने आज दिस और दैट के दैट का यूज कर क्वेश्चन आंसर किए. ओके अब आपको भी इस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद फोटो क्लिक कर स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करनी है. ओके थैंक यू.